हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक्सिस बैंक के प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था एक हफ्ते पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको कॉल के थ्रू प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाता है। और एक कार्ड अप्लाई का जो प्रोसेस ही बताया था, उसी दिन ये कार्ड अप्रूव भी हुआ था। और आज वो कार्ड, सॉरी आज नहीं, 3-4 दिन पहले ये कार्ड डिलीवर हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, एक्सिस का कार्ड है और ये अभी तक खुला नहीं है, इसको ऐसे ही रख दिया है। ठीक है, ये अभी भी सील्ड पैक है, खुला नहीं है। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस थी, यानी सिर्फ आपको एक OTP एंटर करना था। OTP एंटर करने के बाद में कार्ड जनरेट हो जाता है सेम डे, और सेम डे ही डिस्पैच हुआ है। अगर हम इसकी डिस्पैच, इसका जो डेट देखें जो इस पर है, बाकी डिटेल्स को मैं यहाँ पर हाइड कर लेता हूँ। आपको डेट यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पर जो 22 तारीख की डेट यहाँ पर पड़ी हुई है, 22 तारीख की डेट यहाँ पर है, यानी 22 जनवरी को ये कार्ड पैक हो चुका था और 24 को पिकअप हुआ, 27 जनवरी को ये डिलीवर हो गया। एक हफ्ते हो गए मेरे उस वीडियो को बनाए हुए और उससे पहले ये कार्ड आ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है एक्सिस बैंक ने अपनी सर्विसेज में। इस वीडियो में मैं दूसरे जो प्रोसेस हैं उसके बारे में बताऊंगा कि आपको क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का प्री अप्रूव्ड किस तरह से अप्लाई करना है। उस वीडियो में मैंने सिर्फ कॉल के बारे में बताया था, इसमें बताऊंगा आपको ईमेल के थ्रू भी कुछ कस्टमर्स को ईमेल भेजा जा रहा है कि यू आर प्री अप्रूव्ड फॉर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ ईमेल का, और उसके सब्जेक्ट लाइन भी आपको दिख जाएगी। आप अपनी ईमेल में सर्च कर सकते हैं। इस तरह कोई ईमेल आपके पास आया है तो आप कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मिस्ड कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, उससे आपके पास कॉल बैक आ जाएगा और आप अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से एक लिंक आएगा। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो भी कॉल आए तो देख लें वो जेनुइन कॉल है या नहीं है, एक्सिस बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस से है या नहीं। और दूसरी बात, जब आपको लिंक आया तो देखें वो एक्सिस बैंक की वेबसाइट का ही लिंक होना चाहिए, कोई अदर लिंक नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आपके साथ कोई फ्रॉड कर दे कोई दूसरा लिंक भेज करके, तो इस बात का ख्याल रखें। ईमेल आया हुआ है तो आप कॉल मिस कॉल करके भी अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ पर कॉल आ जाएगा कॉर्पोरेट ऑफिस से, और आप अपनी ब्रांच में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी ब्रांच है, अगर वहाँ के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका एक एडवांटेज एक ये होगा कि आपको थोड़ा ज़्यादा लिमिट मिल सकती है, क्योंकि आप ब्रांच के थ्रू फिजिकली जा कर के अप्लाई कर रहे हैं। इसमें क्या है, सब कुछ वर्चुअली है, सिर्फ OTP डालना है, तो थोड़ा आपको हो सकता है कम लिमिट मिले। बट इफ़ यू विजिट योर ब्रांच, अगर आप ब्रांच में विजिट करते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको ज़्यादा लिमिट मिल जाए। तो अगर इस तरह का प्री अप्रूव्ड ऑफ़र आया हुआ है आपके पास तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर लें, और अगर नहीं चाहते हैं ऑनलाइन अप्लाई करना तो आप ब्रांच से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ उनके थ्रू भी अप्लाई किया जा सकता है। प्रोसेस वही रहता है, वो ब्रांच वाले भी आपके पास एक लिंक भेजते हैं और उस पर आपको OTP एंटर करना होता है, अपनी कंसेंट देनी होती है, उसके बाद ही प्रोसेस एप्लीकेशन होती है। और इसमें जो अदर कार्ड्स का ऑप्शन है, जैसे कि फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड है, जो ज़्यादा अच्छा क्रेडिट कार्ड है, भले ही चार्जेबल कार्ड है, बट दिस कार्ड इज़ वेरी गुड कार्ड, फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड इज़ वेरी गुड कार्ड। फीस लगती है बट वो आपको 1000 रुपीज़ रिफंड हो जाता है एज फ्लिपकार्ट वाउचर, तो कोई ज़्यादा नहीं है। बट एनुअल फीस आपको देनी होगी अगर आप 2 लाख रुपीज़ का स्पेंड उस पर नहीं करते हैं एक साल के अंदर। तो प्री अप्रूव्ड के बहुत सारे ऑफर्स इस वक्त चल रहे हैं, अगर आपके पास भी एक्सिस का अकाउंट है, और अगर आपके पास भी एक्सिस बैंक अकाउंट है तो अगर अभी तक आपको ऑफ़र नहीं मिला है तो जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ़ द कस्टमर जिनका थोड़ा 6 महीने साल भर पुराना अकाउंट है, ये जो कार्ड मिला है ये एक ऐसे अकाउंट पर मिला है जिसमें 1 ईयर अभी कम्प्लीट नहीं हुआ था। ये मेरा कार्ड नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने इसको खोला भी नहीं, किसी रिलेटिव का है नहीं, तो उनका ही अप्लाई किया था और वही खोलेंगे, ये यहाँ पर रखा हुआ है। अगर ठीक है, 6 महीने से पुराने जो भी अकाउंट हैं उन पर ये ऑफ़र मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और मार्च तक आप वेट कर सकते हैं। अभी से लेके मार्च तक काफ़ी ज़्यादा आपको क्रेडिट कार्ड के ऑफ़र देखने को मिले। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सिस बैंक के प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हो तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।